गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने फिर से हम लेकर आए हैं हमारी जो क्लास है आज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्टूडेंट्स, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है ये बीटेक में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी होते हैं, सेम सब्जेक्ट होता है। डिप्लोमा में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से होता है और बीटेक में सोम के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस किया था, हमने स्टडी किया था कि प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस में हमने जो पढ़ा था, हमने स्ट्रेस ऑन एन ओब्लिक प्लेन बाई यूनि एक्सियल लोडिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेसिस ऑन एन, यहाँ पे लिखेंगे सभी स्ट्रेसिस ऑन एन ओब्लिक प्लेन, ओब्लिक प्लेन अंडर द बाई एक्सियल लोडिंग, अंडर द बाई एक्सियल लोडिंग, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन है। लास्ट में मैंने अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग डिस्कस किया था आपके साथ में। यहाँ पे हम एक प्लेन कंसिडर करेंगे, ए प्लेन, कंसिडर ए प्लेन ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ओब्लिक प्लेन ऑफ दिस प्लेन, एक ओब्लिक प्लेन हमने कंसिडर किया है ए सी, ये ओब्लिक प्लेन है ए सी, इस पे हमें स्ट्रेसिस फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेसिस बाय मीन्स जैसे नॉर्मल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल स्ट्रेस इसमें यहाँ से डिस्कस होगी, यानी ये हम फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और ओब्लिक प्लेन जो है इस हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल से ये ओब्लिक प्लेन कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। और लोडिंग की हम बात करेंगे तो लोडिंग यूनि एक्सियल लोडिंग में तो हो जाएगा ओनली सिग्मा एक्स, यानी एक स्ट्रेस है यहाँ पर सिग्मा एक्स लगी हुई है, सिग्मा एक्स स्ट्रेस यानी एक्स डायरेक्शन में, ये यूनि एक्सियल के केस में होता है। बाई एक्सियल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी स्ट्रेस होगी सिग्मा वाई, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसको हम सिग्मा वाई कहेंगे। दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पे डायग्राम क्लियर है सभी मुझे बताना। तो दो यहाँ पे एक्सिस हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्सिस हैं, इन दोनों पर ही स्ट्रेस लगी हुई है इस ओब्लिक प्लेन पर। इन दोनों स्ट्रेस की वजह से इसमें जो स्ट्रेसिस आएगी ओब्लिक प्लेन में वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं, हमने कंसिडर कराए प्लेन ए बी सी डी एंड ओब्लिक प्लेन ए बी ए सी, ए सी प्लेन है। अब यहाँ पे हम एरिया देखेंगे कि एरिया ऑफ प्लेन बी सी, एरिया ऑफ प्लेन बी सी ये कितना होगा, बी सी इंटू वन, बिकॉज थिकनेस ऑफ दिस प्लेन ए बी सी डी जो हमारा सेक्शन है ये पूरा, इसकी जो थिकनेस हम एज्यूम कर रहे हैं वो थिकनेस कितनी एज्यूम कर रहे हैं, थिकनेस यूनिट, यूनिट यानी वन हमने थिकनेस एज्यूम की है। तो जो हमारा ये प्लेन है इस प्लेन का जो एरिया होगा वो बी सी इंटू वन होगा इस तरह से, और जो हमारा प्लेन होगा ए सी, सिमिलरली जो प्लेन ए सी होगा, प्लेन ए सी होगा वो उसका भी एरिया कितना हो जाएगा, ए सी इंटू वन, यानी हम इसको डायरेक्ट बी सी भी लिख सकते हैं, इसको ए सी भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने इसकी थिकनेस वन एज्यूम की है, ठीक है। जैसे ब्रिथ इंटू हाइट करते हैं हम,
इसी तरह से इसको कर लिया हमने, जो इसकी हाइट है यानी थिकनेस है वो 1 हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे हम देख इसको रिजोल्व करेंगे, हमारे पास थीटा एंगल है यहाँ पर, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है, एसी प्लेन हो गया, स्ट्रेस इस पॉइंट से एज्यूम करेंगे सिग्मा एक्स, और जो है सिग्मा वाई, और ये नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे 2 स्ट्रेस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एंगल थीटा है और ये जो है हमारी नॉर्मल, ये एसी है, प्लेन एसी। अब एसी के परपेंडिकुलर ये एक हमारी लाइन होगी, ये लाइन। अब यहाँ पर जो एंगल बन के आएगा, ये एंगल जो बनेगा ये थीटा बनेगा, क्लियर। यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल ये लाइन है, सेम हॉरिजेंटल लाइन है, और एंगल हमारा थीटा रहेगा। अब वर्टिकल वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ में, दिस इज एंगल, ये 90 एंगल, और ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर ये हम टोटल 90 कंसिडर करेंगे, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इसको हम समझ सकते हैं इसी तरह से कि सपोज़ करो ये इस तरह से एंगल है, ये 90 है, और ये जो एंगल है इस तरह से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और हमें ये एंगल चाहिए जो ये 90 डिग्री हैं, यहाँ पर ये आपस में 90 डिग्री हैं, और ये 90 डिग्री हैं दोनों, ये लाइन, दिस लाइन और दिस लाइन 90 डिग्री ईच, एंड दिस और दिस 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा, फिर हम इस टोटल 90 से इस 90 माइनस थीटा को माइनस करेंगे तो यहाँ पे थीटा आएगा। सो वी कैन राइट दिस एंगल इज थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको रिजोल्व करेंगे, यहाँ पे रिजोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन अबाउट प्लेन एसी, रिजोल्यूशन अबाउट द परपेंडिकुलर टू प्लेन एसी। पहले परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन एसी, एसी प्लेन के परपेंडिकुलर पहले हम रिजोल्व करेंगे इन सभी फोर्स को। कैसे होंगे रिजोल्व, इनको देखेंगे हम कि ये हमारा सिग्मा एक्स जो फोर्स है, ये अभी स्ट्रेस है, अभी क्या है, ये स्ट्रेस है। जब इसको हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, फोर्स में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन प्लेन बीसी, फोर्स ऑन प्लेन बीसी, बीसी प्लेन पर फोर्स कितना होगा, ये होगा आपका सिग्मा एक्स इंटू बीसी। क्यों लिखा मैंने सिग्मा एक्स इंटू बीसी, क्योंकि बीसी क्या है, एरिया है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। वी नाउ दैट स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जब हम फोर्स निकालते हैं तो स्ट्रेस के मल्टीप्लाई में एरिया आता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, ये फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे फोर्स बन गया। और जब इसको हम करेंगे यहाँ पर सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई है, ये एसी प्लेन पर है, तो इसको एसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फोर्स हो जाएगा। और इसको करेंगे तो यहाँ पे ये भी एसी से मल्टीप्लाई होगा, ये भी एसी से मल्टीप्लाई होगा, ये सभी यहाँ पे दोनों फोर्स हो जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फोर्स लिखे हैं। अब इन फोर्स को रिजोल्व किस तरह से किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट
अगर नहीं समझ में आया रिजोल्यूशन आपको फोर्सेज नहीं आता है तो लास्ट लेक्चर मेरा देखेगा, वहाँ पे मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज आपको समझाया है। और जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज को समझाया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिजोल्व करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन एसी के, तो यहाँ पर रिजोल्व करेंगे हम सिग्मा एक्स बीसी फोर्स को, तो यहाँ पर जो आएगा ये सिग्मा एक्स बीसी और साइन थीटा, यहाँ पर ये आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर आएगा सिग्मा एक्स बीसी कोस थीटा, और ये सिग्मा वाई एसी को जब रिजोल्व करेंगे ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बीसी प्लेन पर आएगा सिग्मा वाई ए सी साइन थीटा, और यहाँ पर इसके साथ में आएगा सिग्मा वाई ए सी कोस थीटा, सिग्मा वाई ए सी कोस थीटा आएगा यहाँ पर। ये इसको हम नीचे की तरफ लेंगे, देखो यहाँ पर जो है ये कट इसमें एक मिस्टेक हुई है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड रहेगी, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड रहेगी, तो यहाँ पर जब डाउनवर्ड रहेगी डायरेक्शन तो इसका जो एंगल होगा ये नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी ये, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, डायरेक्शन इसकी ऐसे रहेगी, और इसकी डायरेक्शन जो है इस साइड में रहेगी एसी वाले की, इस साइड में रहेगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। तो अब हमने रिजोल्व कर लिए हैं दोनों फोर्स सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, हमने दोनों ही फोर्स क्या करें हैं रिजोल्व करेंगे, परपेंडिकुलर में लिखेंगे किस तरह से हम, यहाँ पे ये सिग्मा एन जो है एक अकेला फोर्स है जो इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी डायरेक्शन ये है, बाकी इस वाले फोर्स की इस प्लेन पर जो डायरेक्शन है वो भी इसकी डाउनवर्ड यानी मींस इस तरह से डायरेक्शन होगी, और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसे रहेगी, तो इनको हम इक्वली लेंगे, सिग्मा एन ए सी इक्वल सिग्मा वाई ए सी, सिग्मा वाई ए सी इंटू कोस थीटा प्लस सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा, ये यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये ए सी है, इस ए सी से हम दोनों ओर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ए सी से डिवाइड करा, यहाँ पे ए सी से डिवाइड करा, यहाँ पे ए सी से डिवाइड करा, तो ये ए सी आ गया, यहाँ पे भी इसको ए सी से डिवाइड किया है, दोनों ओर हम ए सी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बी सी आएगा, सपोज करेंगे हम यहाँ पे क्या आएगा बी सी आएगा, इस डायरेक्शन में क्या रहेगा ये बी सी रहेगा, क्योंकि हम इसे इस प्लेन पर नहीं एक्ट मानेंगे, इस प्लेन पर एक्ट मानेंगे, हम इसे इस प्लेन पर एक्ट मानेंगे इस तरह से, और इसको भी इस प्लेन पर एक्ट मानेंगे, तो ये बी सी होगा। या इसका हम डायग्राम दूसरी तरह से कैसे समझ सकते हैं कि इस तरह से ये एंगल थीटा रहेगा, ये प्लेन पर स्ट्रेस सिग्मा वाई बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी सी ए बी रहेगा, यहाँ पे साइन इसका ए बी सी, यहाँ पे ए बी और ये सिग्मा एक्स बी सी, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एन ए सी, और ये जो यहाँ पे फोर्स होगा टाओ ए सी। अब जब हमने इसको रिजोल्व किया है फोर्स को इस तरह से, हम इनका रिजोल्यूशन करेंगे इन कंपोनेंट में, तो यहाँ पर ये एंगल तो थीटा है और ये भी थीटा था, तो इसके साथ में यहाँ पर जो फोर्स आएगा रिजोल्व होने के बाद सिग्मा एक्स बी सी इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन इसकी ऐसे रहेगी, और यहाँ पर ये रिजोल्व होने के बाद सिग्मा एक्स बी सी कोस थीटा, डायरेक्शन ये रहेगी, इस वाले फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये एंगल रहेगा आपका थीटा, तो इसके साथ में जब रिजोल्व होगा सिग्मा वाई ए बी कोस थीटा, डायरेक्शन ये रहेगी, और परपेंडिकुलर में इधर आएगा सिग्मा वाई ए बी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, यानी ये
जो साइन थीटा वाला है ये इसके साथ में इस साइड में है इधर, और ये कोस थीटा वाला है पोर्शन इस साइड में, यानी इस साइड में केवल सिग्मा एन एसी ही फोर्स है जो अपोजिट में लगा हुआ है, बाकी सारे इसके अपोजिट में। इस तरह से ये एसी है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा वाई कोस थीटा एबी, एबी के साथ में रहेगा एबी अपॉन एसी। सभी ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है कि एसी से डिवाइड कर हमने दोनों ओर, एसी से डिवाइड किया हमने दोनों ओर, तो एसी से डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एबी अपॉन एसी, एबी अपॉन एसी, एबी अपॉन एसी जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये कोस थीटा, ये कोस थीटा होता है, और बी सी अपॉन ए सी ये आपका होता है साइन थीटा। इन दोनों वैल्यू का हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर जो क्या क्या बन के आएगा, ये सिग्मा एन सिग्मा वाई ये कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी मैंने बोला कोस थीटा बन गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है ट्रायंगल से, और यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे होता है। अब इस इक्वेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। अब हम देखेंगे वी नाउ दैट, चूँकि हमें पता है कि हम अगर फॉर्मूला लिखें कोस स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस टू टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमें यहाँ पुट करनी होगी इस इक्वेशन में, और हमारा ये फॉर्मूला आराम से सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम एक बार कोस टू थीटा के क्या लेंगे, एक बार हम लेते हैं कोस टू थीटा इक्वल टू, यहाँ कोस की टर्म है तो ये लेंगे टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस वन को इधर पहुँचाना पड़ेगा, तो ये आपका बनेगा कोस टू थीटा प्लस वन इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जब बनेगा कोस स्क्वायर थीटा ये कोस टू थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई ये। और इसी तरह से हम यहाँ पर एक बार ये लेंगे, हम अब क्या लेंगे कोस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जब हम लेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस टू थीटा वन माइनस वन माइनस कोस टू थीटा और अपोन में टू आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम ये पुट करेंगे। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये पुट करेंगे और कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये पुट करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा वाई कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कोस टू थीटा प्लस वन बाई टू प्लस सिग्मा एक्स यहाँ पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर की वैल्यू वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्मूला अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टू है तो सिग्मा वाई बाई टू यहाँ पे एक साथ रखेंगे, सिग्मा वाई बाई टू इसको अलग अलग लिखेंगे, सिग्मा वाई बाई टू यहाँ पर लिखेंगे और कोस टू थीटा इसके साथ में आएगा, एक में आएगा सिग्मा वाई बाई टू प्लस यहाँ पे भी इसी तरह से सिग्मा एक्स बाई टू और माइनस सिग्मा एक्स कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू इसको लिखा। अब हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्म ले लेंगे, एक बार हम इनको ले लेते हैं और एक साइड हम इनको लेते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इनको हमने जब लिया तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ऐसे लिख के हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस टर्म को, ये टर्म हमारी दोनों कैंसिल हो गई। अब हम माइनस बाहर लिखेंगे, ये वाली टर्म लेंगे और माइनस बाहर लेंगे और
यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से कोस टू थीटा कॉमन लेंगे, कोस टू थीटा हम कॉमन ले रहे हैं और डिवाइडेड बाई टू भी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो बचा है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बचेगा। ये सिग्मा वाई यहाँ से कोस टू थीटा बाई टू कॉमन लिया, यहाँ से कोस टू थीटा बाई टू कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है तो अंदर हमारा माइनस बचा है। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा। ये सिग्मा एन है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है जो हमने यहाँ से निकाली है। इस फॉर्म से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे आगे के टाइम में। तो इतना बताइए, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया है। यहाँ पर हमने सिग्मा एन निकाला है, इसी तरह से हम टाउ निकालेंगे। अब टाउ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हमने रिजोल्यूशन किया था, यहाँ पर रिजोल्यूशन अबाउट द परपेंडिकुलर टू प्लेन एसी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिजोल्यूशन टू प्लेन एसी, रिजोल्यूशन टू प्लेन एसी। अब इसके अबाउट में जब हम रिजोल्यूशन करेंगे तो ये हमने रिजोल्व जो कर रखा है इसको लिखेंगे हम। अब हम इसको लिखेंगे जो रिजोल्व हमने कर रखा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे टाउ एसी प्लस सिग्मा वाई ए बी साइन थीटा। इसके इक्वल में क्या रहेगा, ये वाली साइड सिग्मा एक्स बी सी कोस थीटा, सिग्मा एक्स बी सी कोस थीटा। अब यहाँ पे इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा और ए सी से डिवाइड करेंगे, सिग्मा एक्स बी सी कोस थीटा ए बी साइन थीटा, टाउ ए सी से हमने डिवाइड कर दिया दोनों ओर। फिर वैल्यू पुट करेंगे बी सी अपोन ए सी और ए बी अपोन ए सी के, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये यहाँ पे आएगा बी सी अपोन ए सी, बी सी अपोन ए साइन थीटा कोस थीटा माइनस सिग्मा वाई ए बी अपोन, यहाँ पे आएगा ए बी अपोन ए सी कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें इस फॉर्म को बनाने के लिए हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे टू से नीचे कर दूँ इस पूरे में, टू बाहर लिखूँ या वन अपॉन टू लिखूँ और टू से मल्टीप्लाई करूँ, टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस सिग्मा वाई टू साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ से जो बनेगा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, टाउ इक्वल टू वन बाई टू सिग्मा एक्स साइन टू थीटा माइनस सिग्मा वाई साइन टू थीटा। ये फॉर्मूला बना है यहाँ पे। इसको हम कैसे लिखेंगे कि साइन टू थीटा कॉमन ले लूँ मैं दोनों ओर से, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू बचेगा और साइन टू थीटा होगा, ये टाउ की वैल्यू आ गई, ये आ गई है टाउ, यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेस है एसी प्लेन के परपेंडिकुलर वो ये है जो हमने अभी निकाली, और जो एसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो शियर स्ट्रेस इसमें होगी ओब्लिक प्लेन में, वो इतनी आएगी, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम। इन फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और आंसर हमारा निकलता आएगा। अब कभी कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होगी यहाँ पर। ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तब होगी जब टू थीटा इक्वल टू
वन आएगा, यानी टू थीटा इक्वल टू वन रहेगा, यानी वन वैल्यू रहे यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू कितनी रहे वन, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री हो जब साइन टू थीटा की वैल्यू एक के बराबर हो। एक कब आएगी? जब 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री कब होगा टू थीटा? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। कभी कभी पूछ लेता है कि ओब्लिक प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगी? जब एंगल थीटा इक्वल टू 45 होगा, तभी मैक्सिमम होगी। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है इसमें? जब यहाँ एक आए, वरना एक से कम ही हो साइन के मान, फिर ये कम हो जाएगी चीज़। ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा होगी, कम से करेंगे तो कम होगी। तो एक से एक सबसे ज़्यादा है इसमें थीटा की वैल्यू में, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी यहाँ पे टाउ की, जो शियर स्ट्रेस है। यानी टाउ मैक्सिमम हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू। आई होप यहाँ पर सभी को समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।